हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर वर्ष 2024 के बारे में बात करेंगे। इसमें विभिन्न परीक्षा के बारे में बात किया गया है, जिनका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है और उनका रिजल्ट के रिगार्डिंग ही कब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और एग्ज़ाम जो होना है, इसमें झारखंड आईटी इंस्ट्रक्टर की भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, सारा आपको इसमें जानकारी मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट में दिया गया है झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इसका जो परीक्षा की प्रणाली OMR बेस्ड था, विज्ञापन संख्या देखिए 7/2023 द्वारा था और इसका परीक्षा सम्पन्न हो गया है। और देखिए, इसका परीक्षा फल की जो संभावित तिथि है आपका 2024 का द्वितीय सप्ताह, यानी कि अगस्त में आपका ये रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा। तो देखिए, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2023, यानी कि जो इसका 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था CBT मोड में, जिसका विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे होंगे 8/2023 एवं 9/2023, जो कि इसका परीक्षा संपन्न हो गया है। और इसका भी जो रिजल्ट है 2024 का द्वितीय सप्ताह में, यानी कि 15 अगस्त तक आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही रिजल्ट से रिलेटेड और भी अदर इन्फॉर्मेशन आता है या कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इंटरमीडिएट स्तर, इसका भी देखिए CBT मोड में एग्जामिनेशन प्रणाली है इसका, और विज्ञापन संख्या 13/2023, इसका परीक्षा प्रक्रियाधीन है, मतलब परीक्षा कराने के लिए। और इसका भी देखिए रिजल्ट जो होगा सितंबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह में, सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका जारी किया जाएगा ये इंटरमीडिएट स्तर, और जो स्नातक स्तर का है वो अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में किया जाएगा। फिर देखिए, महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो इसका है CBT मोड में, और इसका आपका एग्जाम विज्ञापन संख्या भी देख पा रहे होंगे, इसका जुलाई 2024 का अंतिम सप्ताह में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और सितंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक युक्ताधारी JSSC CGL OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसका विज्ञापन संख्या 10/2023 एवं 11/2023, 2024 के तृतीय सप्ताह में एग्जाम कंडक्ट होगा इसका और अक्टूबर के तृतीय सप्ताह में आपका ये इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। फिर देखिए, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CBT मोड में ही होगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 20/2023, इसका एग्जामिनेशन जो होगा सितंबर 2024 का प्रथम सप्ताह में होगा और इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा अक्टूबर 2024 का अंतिम सप्ताह। फिर देखिए, सातवें नंबर पे झारखंड स्नातक जो झारखंड के ग्रेजुएट लेवल के जो टेक्निकल और विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा जो होगा CBT मोड में, विज्ञापन संख्या 18/2023 का, ये सितंबर 2024 का अंतिम सप्ताह में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और इसका रिजल्ट नवंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो देख पा रहे होंगे। और फिर देखिए, यहाँ पे उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 OMR बेस्ड होगा, विज्ञापन संख्या 6/2023, और देखिए यहाँ पे प्रशासनिक विभाग के शारीरिक दक्षता परीक्षण के उपरांत संबंधित परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा OMR बेस्ड होगा, जिसका विज्ञापन संख्या 17/2023, तो इसका सबसे पहले आपको पता है कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही वगैरह की जो वैकेंसी है, इसमें आपको सबसे पहले फिजिकल होगा, फिजिकल रनिंग वगैरह में आप कंप्लीट कर लेंगे, क्वालिफाई होंगे, उसका जो लिस्ट जारी हो जाएगा उसके बाद आपका डेट निकाला जाएगा कि आपका कब एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा फल तिथि क्या रहेगा। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना था दोस्तों। तो जितने भी इस चैनल पे झारखंड आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी कि ITI इंस्ट्रक्टर का, तो उनको आपको कन्फर्म हो गया होगा कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है। तो आप जैसे इतने दिन वेट किए, कुछ दिन और वेट कर लीजिए दोस्तों, 15 अगस्त तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और चलिए देखते हैं इसके अलावा और भी क्या अपडेट आता है JSSC की तरफ से। जैसा भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों। पर चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।